यहाँ तो कोई नहीं है। दिया कहाँ चली गई? क्या हो रहा है ये सब? किसकी परछाई है ये? ये बार बार दिया की हंसने की आवाज कहां से आ रही है? दिया दिया की रोने की आवाज तो स्टोर रूम से आ रही थी। दिया दिया हे भगवान, ये की आवाज तो संदूक से आ रही है। दिया को संदूक में किसने बंद कर दिया? तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा दिया, मैं आ गई हूं। हाँ, विराज वहां है। ये लोग कुवरसा के बारे में क्या बात कर रहे हैं? शीशे में तो सिर्फ ये दोनों दिख रहे हैं। सुरीली मौसी, सुरीली मौसी कहां से बात कर रही है? मौका बिल्कुल सही है, वार कर दो। हाँ दीदी, मैं अपनी चाल चलने के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने कहा था। सुरीली मौसी तो यहां है नहीं, तो ये किस चाल के बारे में बात कर रहे हैं? क्या करने वाले ये तीनों? विराज, आप सुरीली को साथ ले जाएंगे तो आपको कंपनी मिल जाएगी और सुरीली का भी काम हो जाएगा। रानी माँ, रानी माँ, कुवरसा कौन से मंदिर गए? कहाँ है वो मंदिर? रानी माँ, इस वक्त कुवरसा के बारे में जानना मेरा बहुत जरूरी है, प्लीज बताइए मुझे कहाँ है वो। खुद का बच्चा पैदा नहीं करना चाहती और दूसरों के बच्चों को पालकर खुद को माँ का दर्जा देना है। सितारा, तुम यहां?
बहुत याद आ रही थी आपकी, आपके बिना रहा नहीं जा रहा था, इसलिए आ गई। कुंवर साहब, मैं जानती हूं मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, तब मुझे एहसास हुआ कि आप सही थे। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। इस वक्त हमारे परिवार को हमारी जरूरत है। सुधारा, घर चल के इसके बारे में बात करेंगे। फिर भी मैं आज रात आपके साथ रहूंगी। रानी मां, समझने की कोशिश कीजिए, कुंवरसा की जान खतरे में है, बता दीजिए कहाँ है वो। मैं आपके आगे विनती करती हूँ, प्लीज बताइए कहाँ है वो मंदिर। सितारा, जब तक आप हमारे बेटे से दूर हैं, हमारे बेटे को कोई खतरा नहीं, इसका हमें पूरा यकीन है। जब से कुंवरसा गए उनका फोन ही नहीं लग रहा। कुंवरसा किसी बहुत ही बड़े खतरे में है। रानी माँ उस मंदिर का पता भी नहीं बता रही है और उनके सिवाय कोई नहीं जानता कि वो मंदिर कहाँ है। अब मेरी मदद मेरी देवी माँ ही कर सकती है। देवी माँ, आप मेरी हर फैसले में मेरा सहारा बनी, मेरी हर उलझने सुलझाई है आपने। माँ मेरी मदद कीजिए। अगर आज सुरीली मासी ने कुंवरसा के साथ रिश्ता बना लिया तो कुंवरसा की मृत्यु हो जाएगी माँ, और मुझे अपने सुहाग को हर हाल में बचाना है। मैं वहां नहीं जा सकती माँ, पर आप तो सब जगह हैं, आप मेरी मदद कीजिए माँ और मेरे पति को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए। कैसी लगी सजावट कुंवरसा? सजावट अच्छी है सितारा, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, तुम यहाँ पे कैसे आई? आई मीन तुम कह रही थी ना कि माँ को बुरा लगेगा अगर तुम यहाँ आओगी, तो फिर यहाँ अचानक ये कैसी बातें लेकर बैठ गए आप? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं तो बस आज की रात हम दोनों के लिए बहुत खास बनाना चाहती हूँ। सारा सुबह 4 बजे आरती में जाना है, सो जाते हैं। छोड़िए ना सब, उससे भी ज्यादा जरूरी काम है हमारे पास। सितारा,
हम यहाँ डैड की पूजा के लिए आए हैं और फिलहाल वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितारा, मैं खुद चाहता हूं कि हम करीब आए, एक दूसरे से प्यार करें, लेकिन फिलहाल ये पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, माहौल ऐसा था तो ठीक है, सो जाते हैं। सितारा, क्या कर रही हो तुम? क्या बचपन है? सितारा क्या है ये? सितारा छोड़िए ना कुंवर साहब, जो भी होगा चला जाएगा। रात को कोई नॉक कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज को ऐसे नॉक नहीं करता। कुंवर साहब, जी आप कौन? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचा लीजिए। गुंडे कहाँ हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो बाहर ही कहीं होंगे, छुपकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे आज रात यहाँ रुकने की इजाजत दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, हम आपको जानते तक नहीं है, ऐसे कैसे किसी अनजान को यहाँ रहने दे सकते हैं? सितारा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इतना अलग बिहेव क्यों कर रही हो तुम? सबकी मदद करने वाली सितारा आज एक औरत को इस मुसीबत में अकेला छोड़ना चाह रही है। आप फिक्र मत कीजिए, आप यहां रह सकती हैं, कुछ नहीं होगा।